असम को आज हम स्टार्ट करेंगे अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ना, पहले थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये फाइव है। तो इसमें क्या कैंडीडा है, क्रिप्टोकोकस एस्परगिलस है, म्यूकर एंड राइजोफस है, निमोसेस्टिस है, और फिर माइनर इंपॉर्टेंस में बस रीड करने की ज़रूरत है, तो बस वो रीड कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको ही पढ़ाती हूँ। कैंडीडा अब क्या है, कैंडीडा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशी है ना इसकी, वो कैंडीडा एल्बिकन्स है। ठीक है, बाकी भी स्पीशीज़ हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैंडीडा एल्बिकन्स है। अब जो कैंडीडा है ना, ये नॉर्मल फ्लोरा ऑफ दी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जी आई टी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। अब जो डिजीज़ करवाते हैं ना, तो वो हम यही कह सकते हैं कि जी आई टी ट्रैक्ट में ओरल थ्रश वगैरह करवा सकते हैं, इसोफेगिटिस करवा सकते हैं, जो उसके पास जेनिटल ट्रैक्ट में वेजिनाइटिस, डायपर रैश वगैरह करवा सकते हैं, और जो है क्रॉनिक म्यूकोकोटेनियस कैंडिडियासिस करवा सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये तीन फॉर्म्स में प्रेजेंट है। ओवल यीस्ट पर सिंगल बडिंग, जैसे ये देखें ये यीस्ट हैं ओवल सी, और ये सिंगल छोटे छोटे साथ बड हैं। तो ओवल यीस्ट पर सिंगल बडिंग प्रेजेंट होता है विद सिंगल बड, ये नॉर्मल फ्लोरा इसमें प्रेजेंट होता है, और ये या तो सूडो हाइफी की तरह प्रेजेंट होता है, जिस तरह ये सूडो हाइफी। तो हमने क्या पढ़ा था, सूडो हाइफी क्या होते हैं, दे आर नॉट ट्रू हाइफी बट अपीयर एज हाइफी, लेकिन वो लगते हैं ऐसे जैसे इलांगेटेड फिलामेंट्स टाइप होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे हाइफी हैं बट दे आर नॉट ट्रू हाइफी, और से दे कन्वर्ट दे आर फॉर्म ट्रू हाइफी आर फॉर्म व्हेन कैंडिडा एल्बिकन्स इनवेड दी टिश्यूज, जब कैंडिडा एल्बिकन्स टिश्यूज के अंदर आते हैं तो ये जो सूडो हाइफी हैं वो ट्रू हाइफी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और एक ये फॉर्म जर्म ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होता है कैंडिडा एल्बिकन्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी करवाता है कैंडिडा एल्बिकन्स, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन रिएक्शन एक टेस्ट है जो कि डिफरेंशिएट करता है कैंडिडा एल्बिकन्स को फ्रॉम अदर स्पीशीज ऑफ कैंडिडा, जिसमें कैंडिडा ट्रॉपिकल्स, कैंडिडा पैरापसिलोसिस और ये जो बाकी हैं। अब इसकी ट्रांसमिशन क्या है, जैसे हमें पता है कि ये नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जी आई टी ट्रैक के वजाइना वगैरह पे या फिर वजाइनल जेनिटल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होता है। तो जब भी बेबी नियोनेट जो होता है न्यूबॉर्न, उसके अंदर ओरल थ्रश वगैरह हो सकती है, क्योंकि बर्थ के टाइम पे जो किनाल होता है ना, फीमेल का किनाल, वो हैवीली कॉलोनाइज होता है विद ऑर्गेनिज्म, कि उसके ऊपर ये जो है ना ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से थ्रश करवाते हैं न्यूबॉर्न बेबीज। अब जो इसकी पैथोजेनेसिस है, उसमें ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसमें वही म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में टी हेल्पर सेल्स हैं जो कि गामा इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो मैक्रोफेज से इनकी किलिंग करवा देते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट है फाइंडिंग है कि न्यूट्रोपेनिया हो जाता है कैंडिडा इन्फेक्शन में, मतलब न्यूट्रोफिल्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है न्यूट्रोपेनिया होता है। अब लैब डायग्नोसिस उसका देखें तो उसमें ये है कि जब उसमें के ये है कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेनिंग, ये ग्राम स्टेनिंग नहीं है, कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेनिंग जो है ना उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपी में कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेनिंग है उसके अंदर बडिंग यीस्ट, ऐसे छोटी सी यीस्ट प्रेजेंट होती है, ओवल यीस्ट विद बड प्रेजेंट हो सकती है, या हमें सूडो हाइफी वगैरह प्रेजेंट मिल सकते हैं, या फिर हमें पढ़े थे ग्राम ट्यूब मिल सकती है। कल्चर में क्या होता है, टिपिकल यीस्ट की कलोनीज बनती हैं, जैसे कि लार्ज स्ट्रेप्टोकोकल कलोनीज, और जर्म ट्यूब्स फॉर्म हो सकती हैं, देखो 37 डिग्री सेल्सियस पर हमने कहा था जर्म ट्यूब्स फॉर्म होती हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो मिल सकते हैं कैंडिडा एल्बिकन्स में की स्पीशीज़ में। ठीक है, तो ये इसकी लैब डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट जो है वो क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस की जो स्पीशी है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशी, और ये क्रिप्टोकोकोसिस करवाती है, और स्पेशली क्रिप्टोकोकस मेनिनजाइटिस करवाती है, ब्रेन को इफेक्ट करती है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी ओवल बडिंग यीस्ट की तरह प्रेजेंट, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सराउंडेड बाय पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होती है, और ये फॉर्म नैरो बेस बड, जबकि कल हमने जो पढ़ा था ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस वो ब्रॉड बेस बड बना था, तो ये क्या है, ये इसकी बड है। ठीक है, यीस्ट विद बड है, और इसके अराउंड ये कैप्सूल है। ठीक है, परफ्यूमर कैप्सूल होता है, नैरो बेस बड होता है। अब ट्रांसमिशन इसकी क्या है, स्पेशली सॉइल से होती है, और स्पेशली पिजन रूपिंग जिसके अंदर हो उनसे होती है, ह्यूमन जो है इनहेल करते हैं इनको, इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में लेके जाते हैं, पैथोजेनेसिस में कि इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में लेके जाते हैं इनको, फिर वहाँ से वो ब्लड के थ्रू जो है वो ब्रेन में चले जाते हैं, मेनिनजाइटिस वगैरह कॉज करवा देती है। तो ये इसकी क्रिप्टोकोकस मेनिनजाइटिस की पैथोजेनेसिटी थी।
फिर लैब डायग्नोसिस में इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक इंडिया इंक होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और ये क्या करती है, ये जो अनस्टेन्ड कैप्स्यूल होता है ना वो शो करवाती है, जिस माइक्रोस्कोप के अंडर अनस्टेन कैप्स्यूल नज़र आता है ड्यू टू इंडिया स्टेन। फिर ग्राम स्टेन इसके लिए रिलायबल नहीं है, जबकि इसके लिए PAS पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन यूज़ हो सकता है, मिथामिन सिल्वर स्टेन या फिर म्यूकिकार्मीन स्टेन यूज़ हो सकता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम इसमें कैप्सुलर एंटीजन टाइटर हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी दोनों टेस्ट करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में। तो जो इन्फेक्टेड स्पाइनल फ्लूड होता है, क्योंकि हम एनजाइटिस करवाते हैं तो मतलब मेनली ब्रेन या CNS में होगा, तो स्पाइनल फ्लूड जो लेते हैं ना उसके अंदर जो है कैप्सुलर एंटीजन इंक्रीज हुई होती हैं, उसके अगेंस्ट जो है लेटेस्ट पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, इसको हम क्रिप्टोकोकल एंटीजन